हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि हमें कनाडा में क्यों नहीं आना चाहिए या फिर क्यों कनाडा वर्थ नहीं रहेगा, लेकिन आज की वीडियो बिल्कुल अपोजिट होने वाली है। आज हम बात करेंगे कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगे आपके अगर आप कनाडा में आते हो, यहाँ सेटल होने का सोच रहे हो इन फ्यूचर में। तो बिना देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो नंबर वन इज फ्री हेल्थ केयर। तो यहाँ पे जब आप आते हो तो आपको फ्री हेल्थ केयर मिलता है, तो मतलब आप फ्री हेल्थ केयर गवर्नमेंट प्रोग्राम के लिए एनरोल्ड कर सकते हो, और जिससे आपको टोटली आपका जितना भी फिर खर्चा रहेगा, आपको कोई बीमारी है, कुछ भी इश्यूज हैं, तो आपकी वो बीमारी से लेके आपको कंसल्टेशन फीस, कोई टेस्ट अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है, वो सारे आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। किसी भी चीज़ का आपको कोई चार्ज नहीं देना है। इनफैक्ट अगर आपकी कोई सर्जरी होती है तो उसकी भी, आपका जो भी सर्जरी का कॉस्ट रहेगा, उसके बाद जो भी मेडिसिन रहेगी, उसके बाद भी पोस्ट सर्जरी भी आपका जो जो मेडिसिन का खर्चा होगा सारे गवर्नमेंट के ही खर्चे में आता, तो आपका कोई भी अलग से कोई पैसा नहीं जाता है। तो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। अब जहाँ भी बात फ्री की आती है, ठीक है, तो एक चीज़ बहुत ऑब्वियसली है कि फ्री है तो बहुत लंबी लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे इंडिया में होता है ना कि भाई हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, एम्स में जाते हैं, सफदरजंग जाते हैं, तो अच्छी खासी सुबह से वहाँ लंबी लाइन लगनी शुरू हो जाती है। तो सेम यहाँ पर भी है कि फ्री है हेल्थ केयर, लेकिन आपको अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी, तो आपको अच्छी खासी क्यू मिलेगी। और वो डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम है, सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब आप क्यू में तो हो लेकिन आपको सिर्फ फीवर था, आप इसलिए गए, लेकिन आपके पीछे कोई बंदा है जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, उसको कुछ ब्रीथिंग से रिलेटेड इशू है या बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस इशू है, तो ऑब्वियसली उसको प्रायोरिटी दी जाएगी देन आपसे। तो मतलब डिपेंडिंग ऑन कि किसकी क्या कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उस अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी दी जाती है। और सेम यहाँ पे इमरजेंसी वाले केस में भी है कि जब भी कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो सेम डिपेंडिंग ऑन कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी ज़्यादा वर्स है और कितनी ज़्यादा मतलब उसको जल्दी से टेक केयर करने की नीड है, उस बेसिस पे आपको प्रायोरिटी दी जाती है। तो कई बार आपको 24 घंटे रुकना पड़ता है, कई बार 48 घंटे, कई बार डिपेंडिंग ऑन आपका जल्दी नंबर भी आ जाता है, तो वो सारा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, कैसे कैसी सिचुएशन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनकी है। तो ये था नंबर वन पॉइंट। और नंबर टू पॉइंट आता है फ्री एजुकेशन। तो अगर आप कनाडा में आते हो तो अपने बच्चे के लिए आप गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि या तो आपके पास पीआर होनी चाहिए या फिर आप सिटीजन होने चाहिए कनाडा के। तो अगर आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, आप पीआर लेके आए हो, तो आपका बच्चा फ्री एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, कोई एजुकेशन फीस आपको नहीं देनी पड़ती। जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो ये कि जैसे हम सबको पता है इंडिया में नर्सरी, भाई नर्सरी क्लास में बच्चा आता है ना, उसकी अच्छी खासी फीस जाती है, और वहाँ पे भी मतलब एडमिशन दिलाने के लिए अगर सेंट मेरी है या डीपीएस समथिंग काइंड ऑफ जितने भी आपको स्कूल मिलेंगे, स्कूल में एडमिशन कराने के लिए ना छोटे बच्चों को आपको अच्छी खासी ब्राइब देनी पड़ती है, और मतलब बहुत सारा झमेला रहता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई अलग से कोई ब्राइब नहीं देनी है, कुछ अलग से ऐसा झमेला नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहता है। बस आपके पास पीआर या सिटीजन आप होने चाहिए कनाडा के लिए, और आप अपने बच्चे को एनरोल कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, कनाडा में एक अच्छा एडवांटेज आपको मिलेगा। एंड नंबर थ्री पॉइंट, इट इज़ एनवायरनमेंट एंड इंफ्रा। तो हम सबको पता है कि इंफ्रा और इन्वायरमेंट दोनों ही बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करते हो ना, तो भाई आपको 1, 2, 3 ऐसे नंबर देखने को मिलते हैं। अभी भी आप चेक करोगे तो 5-6 मैक्सिमम यहाँ पे होता है, तो मतलब आप चेक कर सकते हो। इंडिया में होता है भाई 300 और 350, बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच जाता है। आप समझ सकते हो कि वेरी पुअर वाली क्वालिटी में चला जाता है, स्टिल हम वहाँ पर रह रहे हैं, और मतलब क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑब्वियसली हमारी जॉब है, वही हमारे फ्लैट घर सब कुछ है, तो मतलब बहुत ही बेकार क्वालिटी इंडेक्स रहता है इंडिया में। और ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आपका हवा पानी अच्छा है ना, तो बहुत ही ऑब्वियसली है कि आप फिट रहोगे और आपको बीमारियां नहीं जल्दी लगेगी, और मतलब शॉर्ट आप स्वस्थ रहोगे। तो यहाँ पे हवा और पानी दोनों ही बहुत अच्छा है। तो जैसे मैंने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का बहुत अच्छा है, और साथ ही पानी की बात करें ना, भाई बहुत साफ पानी है। मतलब जो एक सिंपल नॉर्मल टैप वाटर होता है ना, चाहे वॉशरूम का हो या जहाँ पे आप किचन में भी बर्तन धुलते हैं, किसी भी आप नॉर्मल टैप वाटर को आप पी सकते हो, इतना क्लीन रहता है। तो अगर आप शुद्ध हवा ले रहे हो, शुद्ध पानी पी रहे हो, समझ सकते हो कि आप मतलब सारी चीज़ें इतनी क्लीन है, तो मतलब आप बहुत ही कम चांसेस रहते हैं आपके बीमार पड़ने के। जब आप सांस भी लेते हो ना, तो मतलब आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है, आपको लगता है कि मतलब एक अलग ही कितनी शुद्ध हवा आप इनहेल कर रहे हो, मतलब। और ये कहने वाली बात नहीं है, मतलब ये ना एक डिफरेंस आपको खुद देखने को मिलता है। वैसे भी हम सबको पता है इंडिया में, स्पेशली अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, कितना बुरा हाल रहता है, स्पेशली विंटर की अगर हम बात करें, भाई मतलब यूपी वगैरह साइड पूरी और पंजाब साइड पुराली वगैरह जलती है,
है और कहाँ पहुँच जाते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो हम सबको पता है, कभी भी आप चेक करो तो मतलब वो एक बहुत ही बेकार है, क्योंकि इससे आपके कितने सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको आ जाते हैं, ब्रीथिंग इशू और लीवर, आपके हार्ट अटैक, कितनी सारी चीज़ें ना आपकी मतलब प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुझे प्लस पॉइंट लगा। और साथ में ऑब्वियसली यहाँ का इंफ्रा एक नंबर है लिटरली। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर चीज़ ना यहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रॉपर हर चीज़ के ट्रैक हैं। अगर आप साइकिल चला रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आप कार चला रहे हो, तो हर चीज़ के आपको एक प्रॉपर ट्रैक मिलेंगे। और तो और अगर हम बात करें ना, वो फिजिकली डिसेबल्ड रहते हैं, उन लोगों के लिए भी ना एक प्रॉपर ट्रैक है, और मतलब वो लोग बहुत ही ईजिली एक जगह से दूसरी जगह में जा सकते हैं, तो मतलब कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि उनको किसी थर्ड पर्सन की नीड होगी, उसके साथ ही वो लोग निकलेंगे, प्रॉपर बहुत ही ईजिली सब कुछ चीज़ें मतलब वो लोग ईजिली मैनेज कर पाते हैं, प्रॉपर अपने ट्रॉली को हर जगह वो ले जा सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो मतलब ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि भाई अब प्रॉपर रूल्स है, तो कहीं ना हर कोई उसको फॉलो कर रहा है, तो वो एक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अब हम चलते भी है ना, तो प्रॉपर उनकी रेड लाइट रहती है कि अब जब वो वाइट सिग्नल देते हैं देन वी कैन वॉक, और तब तक गाड़ियाँ सब रुकी रहेंगी। और अगर आप चल भी लेते हो ना, स्टिल गाड़ी वाला आपका रोक देगा, क्योंकि चलने वालों को ना एक प्रायोरिटी दी जाती है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा सेफ रहता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे रोड पर निकल गए तो कोई तेज गाड़ी आकर, जैसे इंडिया में हमें एक डर रहता है कि भाई बच्चे को कोई टक्कर वक्कर मार के ना चला जाए, तो बच्चों को या तो हम बच्चों के साथ रहते हैं या फिर हम कोशिश करते हैं कि भाई बच्चा एक पार्क में घूमे या घर के अंदर रहे, बंद रहे, ताकि क्योंकि हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं डर है भाई, कोई भी बाइक वाला आया या कार वाला आया तो टक्कर वक्कर मार के ना चला जाए। तो यहाँ पे उस वाले टर्म्स में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको सेफ्टी लगेगी, और मतलब आप ना एक सेफ फील करोगे, आपको कोई भी इस तरीके का डर नहीं लगेगा। यहाँ पर सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से प्लान्ड हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एंड नंबर 4 इज़ इक्वालिटी ऑफ लिविंग। भाई यहाँ पर ना कोई ऐसा फंडा नहीं है कि कोई जॉब छोटी है कोई जॉब बड़ी है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में इस बारे में बात करी थी कि चाहे आप कंस्ट्रक्शन में कोई लेबर का काम करते हो, चाहे आप 9 to 5 वाली कोई IT फील्ड में जॉब कर रहे हो, या फिर आप कोई सिक्योरिटी जॉब में हो, कोई भी जॉब है भाई, आप उबर में काम कर रहे हो, आप ड्राइवर हो, कुछ भी है ना, आपकी सारी जॉब को इक्वली रिस्पेक्ट दिया जाता है। यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ लिविंग को ना बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी भी जॉब को छोटे या बड़े में कैटेगराइज करेंगे। जैसे कि इंडिया में बहुत नॉर्मल है कि कोई भी मतलब अगर हमारे घर में कोई काम करने वाला भी आ रहा है, या फिर ये भी छोड़ो, अगर हमारे पास कस्टमर केयर से भी फ़ोन आते हैं तो हम बहुत वैसे तरीके से बात कर देते हैं कि रखो रखो ये वो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, मतलब हर किसी को इक्वली रिस्पेक्ट दिया जाता है, और यहाँ पर हर किसी की एक अपनी लाइफ है, अपनी जॉब करी उसके बाद उनकी अपनी लाइफ है। अगर एक लेबर वाला बंदा भी है या अगर 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा भी है, वो एक अच्छे तरीके से ही बात करेगा किसी भी बंदे से, सेकंड पर्सन, चाहे वो लेबर के काम में है चाहे किसी भी काम में है, उसको एक इक्वली एक अच्छे तरीके से ही बात करेगा और ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हर एक बंदे को एज अ ह्यूमन लेके चला जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके प्रोफेशन से उसको तोला जाएगा कि भाई ये तो इंजीनियर है तो उसको एक अलग रिस्पेक्ट दी जा रही है, यार ये तो लेबर है या ये तो ड्राइवर है तो उसको एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है, हर कोई एक इंसान है सबसे पहले, और उस चीज़ को यहाँ पे ना सीरियसली लिया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, आप कोई भी जॉब को यहाँ पर बेझिझक बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। तो कोई आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि लोग मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हैं या मेरे साथ एक उस तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे जो एक दूसरे बंदे को एक फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से हम जिस तरीके से हम दूसरे बंदे को ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो यहाँ पर अच्छा है। दूसरा यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि जितनी भी ना वैसी जॉब रहती है, जैसे लेबर वाली जॉब है या फिर जितनी भी अभी लेबर वाली जॉब भी होती है ना, उसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन लोगों के ना प्रॉपर गियर्स रहते हैं। तो चाहे वो सिक्योरिटी जॉब हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में एक लेबर हो, या फिर जैसे नाले वाले का काम, सफाई वगैरह का होता है, क्लीनिंग वाले में है, तो प्रॉपर गियर्स वगैरह पहन के तब वो उस जॉब को करते हैं। तो ये एक मैंडेटरी है और बहुत ही अच्छा भी लगता है देखने में कि भाई ऐसा नहीं कि आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है या आपके पास प्रॉपर कॉस्ट्यूम नहीं है, बस आपको वो काम फोर्सफुली कराया जा रहा है, तो समथिंग ऐसा नहीं है। मतलब पहले एक इंसान को यहाँ पे अहमियत दी जाती है, तो प्रॉपर गियर्स के साथ सारी चीज़ें होती है, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे लिटरली। नंबर 5 वेदर। तो यहाँ पे ना एक सबके दिमाग में रहता है कि जब भी कनाडा की कोई बात होती है, जाने की कुछ बात होती है, कि भाई बहुत ठंडा रहता है, ठंडा रहता है, ठंडा रहता है। येस, मैं मतलब डिनाई नहीं करूँगी कि ठंडा नहीं रहता है, यहाँ पे ठंडा रहता है, लेकिन अगर हम वैसे ओवरऑल पूरे साल की बात करें, 365 दिन की बात करें, तो यहाँ पर 4 सीजन देखने को मिलते हैं। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको पूरा सब कुछ वाइट वाइट दिखाई देगा, एक टाइम ऐसा
जाएगा जब हर जगह आपको पिंकिश पिंकिश दिखाई देगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब पूरा ग्रीनरी दिखाई देगा, फिर ऐसा भी टाइम आएगा कि फॉल सीजन आता है कि सारी चीज़ें वो पतझड़ वाला टाइम आ जाता है। तो भाई यहाँ पे चार सीजन पूरे साल में देखने को मिलते हैं, समर विंटर स्प्रिंग फॉल, तो मतलब चार सीजन आपको यहाँ पे साल में देखने को मिलते हैं। और चारों सीजन की ना भाई एक अलग ही ब्यूटी है और मतलब एक अलग ही चार्म रहता है, तो वो बहुत ही प्लस पॉइंट मुझे लगा। तो और ऐसा नहीं है कि जब ठंड का भी टाइम आएगा तो भाई आप इंडिया में जैसे होता है कि हम घर के अंदर सिकुड़ के बैठ गए हैं कि अब हम बाहर नहीं निकल सकते, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है, रजाई या ब्लैंकेट के अंदर बस पूरा दिन बैठने रहने का हमारा मन करता है, आलस आता है, जो कि क्योंकि ऑब्वियसली ठंडा लगता है तो आप बाहर काम करने के लिए भी ना मतलब 10 बारी सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होती है, और आप देखोगे ना विंटर के टाइम पर भी मतलब लोग इतनी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है, आइस स्केटिंग, स्काइंग, और लोग ना मतलब ढेरों सारी एक्टिविटीज़ में ना अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप घर के अंदर रहते हो ना तो यहाँ पे सेंट्रलाइज है सब कुछ, ठीक है, तो सेंट्रलाइज हीटर वगैरह चलता है, तो वो भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिसको मैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपना कवर करूंगी। सो नंबर 6 इज नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहाँ पे हवा पानी तो सब कुछ है ही, इसके साथ यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, चाहे लकड़ी की बात करें, पेट्रोल की बात करें, वैसे प्राइस देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई डबल ट्रिपल जा रहा है, बट इन एक्चुअली आपको वो कहीं ना कहीं सस्ता मिलेगा। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करें ना तो भाई यहाँ पे 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रहती है, और आपके दिमाग में कभी भी ना ऐसा नहीं आएगा कि यार इलेक्ट्रिसिटी बचा लो, क्योंकि इंडिया में जैसे हम लोगों की एक मेंटालिटी बन जाती है कि एक रूम से दूसरे रूम में बैठे तो वहाँ की रूम के सारे जितने भी एसीज और पंखे वंखे लाइट चल रही थी सब बंद करके आओ कि भाई थोड़ा सा बिल हम बचा लेंगे, बिल सेविंग हम करने की कोशिश करते हैं कि जिस रूम में बैठे हैं वहीं की चलाएं। तो यहाँ पे उस चीज़ का इतना हमारे दिमाग में नहीं आता, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है और यहाँ पे इतना ज़्यादा बिल भी उसका नहीं आता है, मतलब आपका मंथली में जब आप पूरा दिन भी चला के रखते हो ना तब भी आपका $50-60 ही आता है, तो मतलब जो अफोर्डेबल रहता है यहाँ की अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अर्न करते हो, तो वो बहुत ही प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये कि जब इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है तो उसके साथ ना क्या होता है, हम लोगों को बाहर निकलने में 10 बारी सोचना पड़ेगा, भाई कुछ भी काम करना है तो एक ठंड लगती है, हाथ ही टूटते हैं, तो मतलब आलस आता है, तो 10 चीज़ें होती है, हम मन करते कि अंदर ब्लैंकेट के अंदर बैठे रहे, रजाई के अंदर बैठे रहे, बट यहाँ पे क्या होता है ना कि कितना भी ठंडा क्यों ना हो, बाहर चाहे -30 टेम्परेचर भी हो, -15 डिग्री सेल्सियस, बट स्टिल क्योंकि सब कुछ पूरा सेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज हीटेड रहता है, तो आप अंदर ना एक नॉर्मल टी शर्ट पे भी बैठे हो, पूरे रिलैक्स होकर बैठे रहते हो, और वैसे आप बिल का इतना सोचते नहीं हो, तो मतलब ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ की बहुत ही अच्छी लगी और अच्छी है। ऑब्वियसली अगर आप कैनेडा आने का प्लान करते हो तो ये सारे बहुत ही एडवांटेजेस रहेंगे आपके लिए। नंबर 7 इज बिजनेस, तो यहाँ पे अगर आपके दिमाग में ना कोई भी बिजनेस आइडिया है तो उसके लिए अप्लाई करना और यहाँ पे उस चीज़ का सेटअप करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो मतलब ईजी इन द टर्म मैं बोलूँगी कि अगर आप जैसे इंडिया में हो तो ना आपको कोई भी बिज़नेस की शुरुआत करनी है तो भाई आपको ना ढेरों जगह, पहली बात तो आपको जाना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ आप मिलोगे वो आपको कहीं और भेज देगा, वहाँ जाओगे वो कोई और स्टोर में भेज देगा, तो मतलब आपके ना बहुत सारे चक्कर तो कटेंगे ही कटेंगे, साथ में आपको वहाँ पे लोगों को ब्राइब अलग देना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई बिज़नेस सेटअप का आपके दिमाग में जो है उसके लिए आप आगे आपकी वो चीज़ प्रोसेस में जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाती है। स्टिल इन द केस अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है, आपका ऑनलाइन वो चीज़ नहीं हो रही है, वो भी बहुत इजी है, आप नॉर्मली जाते हो, मिलते हो बिना किसी ब्राइब के, सारी चीज़ें आपकी बहुत इजीली हो जाती है और आप किसी बिज़नेस की शुरुआत कर पाते हो। तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी बिज़नेस करने का मन है, कुछ भी आइडिया है, कुछ भी आपके प्लान है इन फ्यूचर में, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट कंट्री रहेगी ऑब्वियसली, और सारी चीज़ें आप बहुत ही ईजिली देखोगे कि सब चीज़ें मतलब बहुत ही स्मूथली आप कर पाओगे और चल जाएंगी। 8th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी, तो ये बहुत ही बड़ा एक कंसर्न भी रहता है और मैटर भी रहता है ऑब्वियसली, जैसे कि हम, मैंने इसका भी एक जिक्र किया था अपने लास्ट वीडियो में, तो अगर हम मान लो जैसे मैं इंडिया में थी और मैं नोएडा में रहती थी, नोएडा में मैं जॉब करती थी, तो आप ना मतलब एक टाइम में बंद जाते हो, आपके दिमाग में अगर रात को 11 बजे बाहर निकलने का आया तो आप ऑब्वियसली अपने आप को सेफ फील नहीं करोगे, या आप अकेले नहीं निकल सकते, आपको किसी ना किसी के साथ निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी कोई डर नहीं है भाई, हम रात को 12-12 बजे भी निकले हैं, लेट नाइट भी, लोग यहाँ पर लेट नाइट शिफ्ट चलती है, लोग निकलते हैं आपको लिटरली आपको
मतलब ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको देखने को मिलेंगे, बाहर आपको देखने को मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा सेफ है। देखो क्राइम रेट हर जगह होता है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे बिल्कुल भी क्राइम रेट नहीं है, है हर जगह क्राइम रेट होता है। इंडिया में बस इतना है कि थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा कम है, लेकिन क्राइम रेट हर जगह होता है। लेकिन स्टिल जितना मैंने यहाँ पर फील किया है ना कि किसी को किसी की नहीं पड़ी है, नो वन इज़ लुकिंग एट यू, आप बेफिक्र चलो और मतलब अपना जहाँ आपको जाना है, जो आपको करना है बेफिक्र कर सकते हो। आपको इस चीज़ का एक डर नहीं रहेगा या कभी इस चीज़ का एक वो नहीं रहेगा कि भाई मैं अकेले नहीं निकल सकती या मुझे साथ में कोई बंदा चाहिए, देन आई कैन गो आउट। तो ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं लगा, तो ये मतलब मुझे एक बहुत ही प्लस पॉइंट लगा, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि मतलब हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, स्पेशली क्योंकि मैंने ये चीज़ें सब देखी है नोएडा गुड़गांव में, बहुत ही कॉमन है यार, आप मतलब अकेले निकलने का नहीं सोच सकते, तो बहुत चीज़ों का डर रहता है, तो वो मुझे एक यहाँ पे प्लस पॉइंट लगा। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स, मैंने बताया कि क्या क्या वो प्लस पॉइंट हैं कि जो आपको कनाडा में रहकर यहाँ पे आपको मिलेंगे एक एडवांटेजेस के टर्म्स में। सो आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी मेरी वीडियो से। इसके साथ ही आज की वीडियो को करते हैं खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, बाय बाय।